सभी का फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अन्न उत्सव मनाने की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या में पूर्ति विभाग के अफसर भी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में लगे हुए हैं। अन्न योजना के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में कोटेदारों को बैग उपलब्ध कराकर अंत्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्ति निरीक्षक बीकापुर शैलेंद्र प्रसाद शुक्ला ने क्षेत्र के कोटेदारों की एक आवश्यक बैठक ली और अन्य उत्सव मनाने में निर्मित बैग उपलब्ध कराते हुए निर्देश जारी किए। प्रत्येक दशा में 5 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आह्वान पर तुरंत बाद गरीबों को निःशुल्क खाद्य वितरण का कार्यक्रम प्रत्येक कोटे की दुकान पर होना सुनिश्चित हुआ है। बताया गया है कि इस दौरान दुकानों पर राजनीतिक व्यक्तियों की भी उपस्थिति की होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो माह नवंबर तक सभी कार्डधारकों को निःशुल्क 5 किलो खाद्यान्न नवंबर तक 5 किलो प्रति यूनिट से खाद्यान्न दिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें जून जुलाई अगस्त 3 महीने का जो रेगुलर खाद्यान्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। औरैया के अरवा कटरा क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों ने एक घर पर हमला कर दिया। वहीं पीड़िता सिया देवी ने बताया कि उनके घर में कुछ लोगों ने हमला किया और बदमाश घर में मौजूद लड़की को भी परेशान करने लगे। हंगामे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। वहीं इस दौरान सभी बदमाश छत से निकलकर भाग गए। इस मामले पर थाना अध्यक्ष अरवा कटरा सुधीर सिंह ने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और उन सभी पर कड़ी कार्यवाही होगी। सब मेरी बेटी बाथरूम गई तो वहाँ पर 7 लोग थे तो दो ने उसे पकड़ लिया और इधर 5 भागे आए तो मैं मेरे पति को मारने लगे। क्या नाम है पति का? श्री राम। तब साहब हमने रोका ठोकी करी तो फिर हमू पीटा, मेरे बाला चढ़ा कानन मतलब निकाल लिए और बहुत पति को पीटा है, फांसी लगा दी। ताज नगरी आगरा में एक बार फिर अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने ताजमहल पर कांवर व गंगा जल चढ़ाना चाहा। सावन के दूसरे सोमवार को ताजमहल पर कांवर चढ़ाने के लिए प्रांतीय अध्यक्ष मीना देवाकर और जिला प्रभारी जितेंद्र कुशवाहा कांवड़ लेकर ताजमहल की ओर जा रहे थे, तभी प्रशासन को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा दोनों लोगों को रोक कर थाना क्षेत्र में बने मंदिर कांवर चढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट का कहना है कि हम प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारी कांवड़ को तेजी से महालय पर चढ़ाने की अनुमति दी जाए। मामला ये है कि जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं आगरा में उनके लिए मतलब बेल, और जो बम बम बोले जय श्री राम के नारे लगाते हैं उनके लिए जेल। तो इसका मतलब क्या है, यानी प्रशासन ऐसे नाकाबंदी हमारे घरों की लगा दी है कि जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी हैं। क्या हमारा गंगा जल लाना कोई पाप है या कोई गलत है? क्या हम ला नहीं सकते? और अगर हम लाए तो जो शिवलिंग है तेजू माले में यानी ताजमहल के अंदर जो शिवलिंग है वो हमारी है, हम जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाते रहेंगे। दूसरी बात एक और कि जो मौलवी कह रहे हैं जो बद्रीनाथ के लिए कि उसमें एक हिस्सा 4 धाम में है एक हमारा है, तो साबित करके दिखाना। जय श्री राम। संजय यार, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा। आज जिस तरीके से हमारे तेजो महल संघर्ष समिति के अध्यक्ष मीना दिवाकर और जिला प्रभारी जितेंद्र कुशवाहा सौरव एटा से कांवड़ लेकर आए और उस कांवड़ को जितेंद्र कुशवाहा के हाथों से छीनकर थाना एतमादौला पुलिस ने एतमादौला क्षेत्र में जबरदस्ती थाने ले गए और थाने में कांवड़ के साथ बदतमीजी की गई, जितेंद्र कुशवाहा के साथ बदतमीजी की गई और कांवड़ को जबरदस्ती उन्होंने बल के दम के बल पर मंदिर में चढ़वा दिया। ये निश्चित तौर पर ताना। रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने युवक को कमरे में बंद कर जमकर पीटा। युवक के शोर मचाने पर मौजूद ग्रामीणों ने युवक की जान बचाई। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और कोतवाली डलमऊ की लचर कार्यशैली से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। सरदार और एक मोतीलाल पुत्र कन्हई, जो पुत्र कन्हई हैं मोतीलाल, वो अपने खेत में थे। ये मोतीलाल पुत्र सरदार, इन्होंने फ़ोन किया कि आप आ जाइए, तुमसे कुछ काम है। रात को लगभग 8 बजे उन्होंने अपने घर पे बुलाया, एक कमरा है गांव में ही वो जहां मछली बेचने का व्यापार करते हैं, वहीं बुलवा करके
उन्होंने अपने परिवार के दो तीन लोग मिल करके उनको घर कमरे के अंदर बंद करके लाठी डंडे कुल्हरी से बांका। रायबरेली के समसपुर खालसा गांव में श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक बच्चे और वृद्ध की मौके पर मौत हो गई। लगभग 36 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। वहीं इस बड़ी दुर्घटना के बाद देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बचाव कार्य में जुट गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को सलोन CHC में भर्ती कराया। स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों की एकजुटता देख लोगों ने विभाग की सराहना की। प्रतापगढ़ में लगातार बाहुबली विधायक राजा भैया को दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला कड़ी चुनौती दे रही हैं। सुनील भराला ने राजा भैया को चुनौती देते हुए कहा कि 22 के चुनाव में भाजपा ऐसे योद्धाओं को मैदान में उतारेगी जो सरकार में मंत्री व विधान परिषद के सदस्य हैं, और ये योद्धा जनसत्ता दल और राजा भैया जैसे लोगों को चुनौती देंगे और उनको हराने का काम करेंगे। भाजपा 2022 के चुनाव में 325 सीटें जीतेगी। बता दें कि लगभग 2 साल से प्रतापगढ़ की कुंडा और बाबागंज विधान सभाओं में लगातार सक्रिय है और संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए गांव-गांव का दौरा करते रहे हैं। इसी का नतीजा ये रहा कि पंचायत चुनाव में राजा भैया का एक भी समर्थक निर्विरोध नहीं रह सका। इतना ही नहीं, जिला पंचायत की 5 सीटों में महज 1 सीट पर उनके प्रत्याशी ने सफलता हासिल की। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 16.5% ब्राह्मणों को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण राष्ट्रवाद पर काम करता है। ब्राह्मण को मठ और मंदिर और अपने वेद पाठी और कर्मकांड की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को लेकर के चाहे श्री राम का मंदिर निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का उत्थान और उसके लेकर के गंगा से कॉरिडोर हो, और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वेद पुराण और जो शास्त्र है। मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके के पौश कॉलोनी लाजपत नगर के 81 हिंदू परिवारों ने एक साथ घरों पर पलायन करने का पोस्टर लगा दिया है। परिवारों की ओर से लगाए गए पोस्टर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोग उनके घरों के सामने जानवरों का मांस और गंदगी फेंक कर उनके यहां से भागने की साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि परिवारों ने बड़ा बैनर लगा दिया है, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि वो लोग सामूहिक रूप से पलायन कर रहे हैं। इन परिवारों ने कैमरे के सामने साफ तौर पर कहा कि विशेष समुदाय के लोग एक साजिश के तहत उनके मकानों के सामने जानवरों का मांस और गंदगी फेंक देते हैं, जिससे उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। यह सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ने जांच के लिए क्षेत्राधिकारी कटघर और नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह को मौके पर भेजा और कॉलोनी के निवासियों से बात की। पलायन की समस्या का निस्तारण करने का भी पूरा आश्वासन दिया गया। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि भाई जो भी आपकी परेशानी है उसको DM साहब तक पहुंचाकर उनसे मिलकर जो है। मुझे यहाँ DM साहब ने भेजा था और इन लोगों से हमने बात की। अब मैं रिपोर्ट DM साहब को जाकर दूंगा और बाकी बात ऐसा है कुछ मुद्दों पे जो है इन्होंने कुछ बातें। बैनपुरी में कोतवाली पुलिस को गांजे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सफलता हासिल हुई है, जहां मुखबिर की सूचना पर मैनपुरी पुलिस और STF आगरा की टीम को सफलता मिली है। करहल इलाके में भारी मात्रा में गांजे को बरामद किया गया है। भारी गांजे के साथ पुलिस ने अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि गांजे की तस्करी एक रैकेट सक्रिय है, इसलिए इस बिंदु पर कुछ सर्विलांस की भी मदद ली गई, कुछ STF की मदद ली गई। और इसके बाद कल 4 अभियुक्त जो संतोष, उमेश, राकेश और छोटी एटा और कासगंज के, 3 एटा के रहने वाले, 1 कासगंज का रहने वाला है। मैनपुरी के किशनी क्षेत्र में 11 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी भाजपा नेता को जिला अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सजा के डर से आरोपी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके बाद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस ने जिला अस्पताल से ही उसे गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पहुंचे SP ने भी आरोपी से पूछताछ की। आरोपी भाजपा का मंडल महामंत्री बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
जालौन के कोंच इलाके में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभियान के जरिए सैकड़ों युवाओं का स्वागत किया जा रहा है। क्षेत्रीय अध्यक्ष का कहना है कि युवाओं का पार्टी से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पार्टी से जुड़कर वो लोगों की मदद करें। अनिल साहू, भाजपा युवा मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का मैं अध्यक्ष हूँ। दरअसल में एक हमारा प्रवास चल रहा है, कानपुर बुंदेलखंड में 17 जिले आते हैं। 17 जिले में हमारा उरई जालौन जो की एक जिला है। आज मैं उरई जिले में प्रवास में हूँ। हमारा एक अभियान चल रहा है चीयर फॉर इंडिया, जो एथलीट हमारे गए हैं। यूपी बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के बाद बच्चों की मेहनत भी रंग लाई है और इस बार भी बोर्ड का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। लखनऊ में अवध कॉलेज में इंटरमीडिएट में राहुल त्रिपाठी ने 85% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय में कुल 100 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं विद्यालय के प्रबंधक सरजीत सिंह और निदेशक जितेंद्र वालिया ने बच्चों का मुंह मीठा कराकर उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की और उनका कहना था कि हम इस हर साल की तरह इस बार भी हमारे स्कूल ने बाजी मारी है और हम लोगों के लिए ये खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में कथित घोटाले का मामला सामने आया है, जहां मानकों को दरकिनार करके उस फर्म को टेंडर सौंप दिया गया जिसमें नियमों को ताक पर रखकर सिरिंज और निडल की सप्लाई पशुपालन विभाग को की गई थी। बता दें कि जब टेंडर निकाला गया तो उसमें मैन्युफैक्चरर से सीधे सप्लाई की बात कही गई थी, लेकिन रोहित इंटरप्राइजेस ने ये टेंडर ले लिया। उसने दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से माल लेकर पशुपालन विभाग को मानकों के विपरीत माल सप्लाई कर दिया। इस पूरे खेल में पशुपालन विभाग के निदेशक आरपी सिंह का नाम सामने आया है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर रोहित इंटरप्राइजेस को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर उन्हें सौंप दिया। बड़ी बात यह है कि सप्लाई किया हुआ माल अभी पशुपालन विभाग के गोदाम में रखा हुआ है। अगर यह सही से जांच की जाए तो सप्लाई किए हुए माल की क्वालिटी सामने आ जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे कथित घोटाले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।